दोस्तों ये दुनिया हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा व्यवहार आप हमेशा खुद के साथ करते हो। तो जब बात आती है कि लोग आपको पसंद करें, जब बात आती है कि लोग आपको प्यार करें, तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को प्यार करो। सेल्फ लव, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होता है। जब आप अपने आप की केयर नहीं करते ना, आप अपने आप की परवाह नहीं करते ना, तो लोग इनडायरेक्टली आपके बारे में ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये पर्सन लायक नहीं है वैल्यू की, ये पर्सन लायक नहीं है रिस्पेक्ट की। प्यार पसंद करना आप छोड़ ही दो, पर जब आप अपने आप की केयर करते हो, जब अपने आप को प्यार करते हो ना, तो इनडायरेक्टली लोग ये समझते कि एक वैल्यूबल पर्सन है, इनको हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सेल्फ लव में लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे हम अपने आप को प्यार करें। तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको बताएगी कैसे आप सेल्फ लव कर सकते हो। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप अपनी हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का हमेशा से ख्याल रखो। देखो सीधी सी बात है, अब जिस पर्सन को प्यार करते हो ना, आप हमेशा उनके बारे में कितने ज़्यादा टेंशन लेते हो। अगर उनको कुछ हो गया तो आप किसी भी तरह के उस इंसान को प्रॉब्लम में फंसने नहीं देना चाहते, एंड आपको हमेशा उस इंसान की हेल्थ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती, आप उनका बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हो। उसी तरह से आपके शरीर के लिए जो अच्छा नहीं है, खाना पीना या कोई भी चीज़, या आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ें सही नहीं है, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ लव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का उसी तरह से केयर करो जिस तरह से आप उस व्यक्ति की करते हो जिन्हें आप प्यार करते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अपनी पास्ट की गलतियों को माफ़ करना सीखो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, इंसान ना जिस इंसान से प्यार करता है ना, उनकी गलतियों को सबसे आसानी से माफ़ कर सकता है, सबसे ज़्यादा आसानी से माफ़ कर पाएगा उस इंसान की गलती को। पर इंसान बहुत देर तक एक व्यक्ति की गलती को माफ़ ही नहीं करता, होता है खुद की गलती। अगर आप अपने आपको प्यार करते हो तो आपको समझ ना जाए कि चीज़ें आप गलती करके ही सीखते हो, और आपको ना अपने बारे में उतना बुरा फील नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को प्यार करते हो तो कैसे आसानी से उनकी गलती को लेट गो कर देते हो, अफकोर्स कर देते हो। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सॉफ्ट नेचर आप अपने लिए भी लाए, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हो तो आपको ये करना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो अपनी मेंटल डाइट का। मेंटल डाइट आप समझते हो ना, कि देखो आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, आप जो भी चीज़ें देखते हो या सुनते हो, वो चीज़ आपके भेजे में जा रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जितनी अच्छी या बुरी होगी आपके दिमाग पे उनका असर करता है, करता है, करता है। और कई बार आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, नहीं आपको ये सारी चीज़ असर नहीं करेगी, पर नहीं, आपको ऐसी चीज़ों से बचना जाए। अगेन, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, उनके अच्छे बुरे के बारे में, एंड हमेशा सजेशन देते हो कि भाई तुम्हें रात को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तुम उन चीज़ का ध्यान रखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि रियल में तुम उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए। चौथी चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि हमेशा ना अपनी लाइफ को लोगों के हिसाब से मत जियो। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको कैसे रहना पसंद है, कोई चीज़ आपको कैसे करनी, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है। कई बार ना जस्ट हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि यार मुझे ये करना तो पसंद है, लेकिन मैंने ऐसे किया तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचे। इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है दोस्तों। एक्चुअल में वो सिर्फ हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रही है, वो हमारी अल्टीमेटली हैप्पीनेस को भी कंट्रोल कर रही है, एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों के कारण आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। तो यार ज़्यादा मत सोचो लोगों के बारे में, तुम्हें जो चीज़ रियल में खुशी देती है, जो चीज़ करने में रियल में तुम कंफर्टेबल हो, तुम करना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा लोगों के बारे में सोचकर अपना दिमाग ख़राब मत करो। अगर आप अपने आप के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए ये चार चीज़ें करना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना, लोग भी आपकी वैल्यू करने लगेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में इनडायरेक्टली ये मैसेज जाएगा कि आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, आप खुद के लिए ये करते हो, और आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि लोग भी आपको वैसे ट्रीट करें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।